हेलो गाइस, वेलकम बैक इन 4B इंजीनियर। मैं राजा लेके आया हूँ केटेट ट्यूटोरियल का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं सॉलिड फिलेट के ऊपर, है ना। आज मैं आपको सॉलिड फिलेट के पूरे कमांड बताऊंगा क्या होता है और अलग अलग तरीके के क्या फिलेट हैं, इनका क्या यूज़ है सॉलिड पार्ट मॉडलिंग पे, है ना। तो चलते हैं वर्क बेंच पे। ये मैं स्केच के वर्क बेंच पे गया, मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया 100x90 का। ओके, मैंने इसको एग्जिट किया, देन पेड किया मैंने इसको, देन अगेन मैं स्केच पे गया, देन मैंने इस ड्रॉ किया, ओके, देन मैंने पेड किया, तो ये अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कलर, ये कलर्स हो रहे होंगे, ये ब्लू एंड ग्रीन। मैं आपको कलरिंग के बारे में बाद में बताऊंगा। ओके, तो अपन देख लेते हैं आज का अपना क्या है। ये अपना वर्क बेंच आ गया सॉलिड का, इसको अपन यहाँ से निकालते हैं। देखिए ये मैंने निकाला, ये आया, आप इसको यहाँ पे टैग कर दीजिए। देन और निकालेंगे अपना काम का टूल, इसको भी आप टैग कर दीजिए। इधर मेन, ओके, इधर मेन टूल्स। तो अपन बात कर रहे थे सॉलिड एज फिलेट के ऊपर, है ना। दिस इज एज फिलेट। ओके, आज अपन इसी के बारे में देखने वाले हैं, ये सभी के बारे में अपन धीरे बारी बारी से बात करेंगे। ओके, तो मैं चलता हूँ फर्स्ट वाले पर। दिस इज एज फिलेट। ओके, मैंने इसको ये जैसे इसको ओपन किया, ये अपने को डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और अपन से ये पूछता है रेडियस। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 ऑटो डिफाइन है। अब ये पूछता है अपन से ऑब्जेक्ट टू फिलेट, आपको कौन से ऑब्जेक्ट को फिलेट करना। आप इस फेस को भी सिलेक्ट करते हैं सकें, नहीं तो आप ये एजेस को भी सिलेक्ट करते हैं क्लिक करके, ये ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसको, इसके जो ये एज है इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं इसका फेस को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं सिलेक्ट किया, ये देखिए सिलेक्ट करते ही सिलेक्ट हो गई और अपना रेडियस 10 था। सिलेक्शन मोड अपन क्या ले रहे हैं, टेंजेंसी। ठीक है, देन मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। देखिए ये ओके, ये 10 mm का क्या हुआ, फिलेट हो गया आपका। इसीलिए मैंने कलर किया था कि आपको ये इजिली दिखने लगेगा। ये हिस्सा अपना क्या हुआ है, फ्लेट हुआ है। ओके, मैं एक बार उसको और दिखा देता आपको। मैं इसमें गया, उस टाइम मैंने फेस सिलेक्ट किया था तो सिलेक्ट हो गया था, और देन मैं इस टाइम ए सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सिलेक्ट किए 10 mm, देन प्रीव्यू, देन ओके सी। ओके ठीक है, गॉट इट। प्रैक्टिस करिए, आप भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब जो नेक्स्ट है इसी के अंदर, वो है अपना वेरिएबल रेडियस फिलेट। ये क्या होता है आज अपन इसको देखेंगे। मैंने इसको पिक किया, ठीक है, ओके। आपके लिए मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है, अपन उस पर चलते हैं। ये मैंने आपके लिए ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हैं, अपन बारी बारी एक एक पे ऑब्जेक्ट देखेंगे। ये आप ऑब्जेक्ट बना ही लेंगे, है ना। ये दिस इज सॉलिड रेक्टेंगुलर, दिस इज स्केच। अब देख रहे होंगे ये एक लाइन में ये है, इसको अपन बोलते हैं पैटर्न्स, दिस इज रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो देख लेते हैं फटाफट से वेरिएबल का। मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखिए रेडियस ये 20 दिखा रहा है, पूछ रहा है एज टू फिलेट। ओके, तो मैं ये वाली एज सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्शन मोड टेंजेंसी है, ये वेरिएशन में देखिए पॉइंट्स टू एलिमेंट, मैंने उसको सिलेक्ट किया, ये एंड से ये एंड पे वो टू एलिमेंट दिखाने लगा। और जो अपना वेरिएशन है इसमें मैं क्यूबिक ले रहा हूँ। ओके, देन प्रीव्यू करता हूँ, देन ओके करता हूँ। ठीक है, ये फिलेट हुआ। देन अपन यहाँ चलेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये टू रेडियस आ जाएंगे क्योंकि ये एंड से ये एंड की थी, इसलिए दो रेडियस आ गए। इसको मैं ओपन करता हूँ, 20 है, आप इसको करिए 10, ओके करिए, इसको करें, इसको 20 रहने दीजिए। ओके, देखिए यहाँ का जो है अलग है, इसके अकॉर्डिंगली इसने इसमें फिलेट क्रिएट कर दिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में मैंने ये एज को सिलेक्ट किया। ओके, सेम मेथड, दिस टाइम पॉइंट मैंने इस पर क्लिक किया, देन मैंने ये एज पे क्लिक किया। देखिए तीसरा पॉइंट भी क्रिएट हो गया, 3 एलिमेंट्स हो गए, क्यूबिक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीव्यू करते हैं, ओके करते हैं, दिस टाइम क्या क्रिएट हो जाएगा, 3 रेडियस आ जाएंगे अपने पास, दिस इज 1, 2 एंड 3। ओके, इसको मैं करता हूँ 5, इसको मैं करता हूँ 15, 20। ओके, देखिए अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसको वेरी कर सकते हैं, इसका नाम ही है वेरिएबल रेडियस फिलेट। ओके, तो जो नेक्स्ट है अपन उसको भी देख लेते हैं। वेरिएबल के अंदर ही मैंने इसको सिलेक्ट किया,
ओके टू एलिमेंट दिस टाइम लीनियर देन प्रीव्यू देन ओके देन इसको ओपन करेंगे अगेन टू रेडियस है इसको करेंगे अपन 10 और ये 20 तो देखिए ये अपना 10 का हो गया ये 20 का हो गया यहाँ से यहाँ तक का इसने आप क्रिएट कर लिया ओके गाइस ठीक है नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट वन जो है अपना कोरेंडल फिलेट मैं इसी में आपको बता देता हूँ ये क्या होता है ये भी सेम इसी इसी तरह से वर्क करता है वेरिएबल फिलेट की तरह मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ देखिए एज टू फिलेट ये हो गया सिलेक्ट सिलेक्शन मोड क्या है टेंजेंसी है पॉइंट्स टू पॉइंट्स देन वेरिएशन क्यूबिक है प्रीव्यू करता हूँ देन ओके करता हूँ अगेन दिस टाइम ये कोरिंडल लेंथ पूछेगा तो आप इसको दे दीजिए 30 और इसको दे दीजिए 25 ओके इट हैज सिमिलर ओके ठीक है आगे चलते हैं जो नेक्स्ट वन है वो क्या है फेस फेस फिलेट इट्स मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आपको फेस सिलेक्ट करना है उनके बीच में वो फिलेट क्रिएट कर देगा तो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज बना के रखी है इसके लिए दिस आर फेस टू फेस फिलेट ओके देखिए देन दिट इज अ वन ऑब्जेक्ट दिट इज अ टू ऑब्जेक्ट मैं ये दोनों का फेस को सिलेक्ट करूंगा तो ये इस तरीके से अपने को आर्क क्रिएट कर देगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ दिस इज फेस फेस फिलेट देन ऑब्जेक्ट वन देन ऑब्जेक्ट टू देन प्रीव्यू देन ओके वार्निंग आएगा आप इसको क्लोज कर दीजिएगा सी दिस ओके चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्या है ट्राई टेंजेंट फिलेट ओके इसको अपन देख लेते हैं इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक्सरसाइज बना के रखी है दिस इज है ना ये इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्ट है अपना इस तरीके से बन जाएगा ओके तो मैं चलता हूँ ट्राई टेंजेंट फिलेट के पास मैं इस एज को सिलेक्ट फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ देन मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ ओके पूछ रहा ना फेस टू फिलेट आपको किस फेस से फिलेट क्रिएट करना है और पूछ रहा है फेस टू रिमूव कौन सा फेस को रिमूव करना है दिस फेस को मेरे को रिमूव करना है देन प्रीव्यू करता हूँ देन ओके करता हूँ सी इज आर सेम्स ओके दिस इज अ मेथड ऑफ ट्राई टेंजेंट फिलेट ठीक है ये हो गए अब मैं वापस से इस पर चलता हूँ मैंने आपको टेंजेंसी बता दिया अब मैं आपको इंटरसेक्शन बता दूंगा क्या होता है ठीक है अपन इंटरसेक्शन देख लेते हैं तो इंटरसेक्शन के लिए अपन चलते हैं दिस मैंने आपके लिए बना के रखा है पहले से ओके कुछ नहीं किया है मैंने ये सरफेस को बनाया देन मैंने एक्सट्रूड किया देन ये सरफेस मैंने यहाँ से मैंने प्लेन सिलेक्ट किया प्लेन सिलेक्शन में आपको बता दूंगा बाद में क्या होता है ना देन मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया देन मैंने उसको एक्सट्रूड कर दिया ओके तो ठीक है अपन देख लेते हैं फटाफट से इंटरसेक्शन क्या होता है इसको मैंने ओपन किया पूछ रहा है ऑब्जेक्ट टू फिलेट अपन डायरेक्टली यहाँ चलते हैं नहीं ले रहा है वो है ना तो कोई दिक्कत नहीं आप इसको सिलेक्ट करिए इसको सिलेक्ट करिए देन इसको ओके थ्री एलिमेंट सिलेक्शन ऑफ मोड पूछ रहा है तो सिलेक्शन ऑफ मोड में आप जाइए इसमें इंटरसेक्शन डाल दीजिए तो वो इंटरसेक्शन आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेड है ना तो ये पेड टू है अपना मैंने इसको सिलेक्ट किया देन मैंने इसको ओके किया ओके देन इंटरसेक्शन देन मैं प्रीव्यू करता हूँ देन ओके करता हूँ देखिए डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको इज आर फिलेट्स ओके यार इंटरसेक्शन फिलेट्स ओके ठीक है और एक और ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए इसी में बना के रखा फिलेट्स में दीज आर सेटिंग द लिमिट ऑफ फिलेट्स ओके तो मैं चलता हूँ वापस से एज फिलेट के अंदर देन पूछ रहा है ऑब्जेक्ट टू फिलेट ओके कौन सा आपको सिलेक्ट करना है तो मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ ओके देन मैन देन मोर करेंगे दीज आर लिमिटिंग एलिमेंट है ना तो मैं इसको सेट करता हूँ देन वाई जेड प्लेन से ओके देन मैं प्रीव्यू करता हूँ देन मैं ओके करता हूँ सी दिस एंड दिस आर सेम ओके
देन अगेन मैं चलता हूँ, आपको देख कर बार दिखा देता हूँ। मैं गया एज फिलेट पे, देन मैंने मोर किया, देन दिस एज सिलेक्ट की मैंने, ओके। देन लिमिटिंग एलिमेंट, तो अपन उसमें प्लेन भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने प्लेन सेट कर रखा है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम प्लेन सिलेक्शन, पॉइंट सिलेक्शन और लाइन सिलेक्शन बता दूंगा क्या होते हैं, और साथ ही में रेक्टेंगुलर पैटर्न्स के बारे में बता दूंगा। प्रीव्यू किया, ओके किया, यहाँ से यहाँ तक कि उसने रेफरेंस क्रिएट कर दी, ओके। अब बोल रहा हूँ ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों आया, ठीक है, कोई